हेलो एवरीवन। सो कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 12 अक्टूबर। सो इस कंपनी में अभी तक कोई अप ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ नहीं है। प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, बट एक लेवल है यहाँ पे कैंडल्स ने आके एक सपोर्ट बनाया है। तो उस लेवल को हम देखने वाले हैं कि कैंडल्स उस लेवल पे कैसी मूवमेंट दे रही है, क्या वहाँ से प्राइस ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, सो उसको देखने के लिए मैं चार्ट को कन्वर्ट करूंगा डायरेक्टली डेली चार्ट के ऊपर, ताकि हम प्रॉपर डीपली पॉइंट टू पॉइंट कैंडल्स देख पाएं। ठीक है, तो कैंडल्स ने नीचे आना स्टार्ट किया था कुछ इस लेवल से, करीब 3,000 रुपये के आसपास के हाई से। उसके बाद कैंडल्स ने अपना ये सपोर्ट ब्रेक किया कुछ ये लेवल 2,400 रुपये 31 पे। उसके बाद कैंडल्स ने ये सपोर्ट ब्रेक किया। उसके बाद कैंडल्स ने कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल्स अपना सपोर्ट अब बना रही है। ठीक है, अगर हम देखें लास्ट के कुछ 15 से 20 दिन के कैंडल्स की मूवमेंट, तो यहाँ पे प्राइस अपने को काफ़ी हद तक रुकते हुए दिख रही है। अगर इस लेवल वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम थोड़े से इंक्रीज थे यहाँ पे, बट जैसे जैसे प्राइस और नीचे आई, सपोर्ट रेंजेस पे आई, तो वहाँ वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज हो गए। ठीक है, अगर वॉल्यूम प्राइस बात की जाए, तो अगर प्राइस इन केस आगे चलने का कंफर्मेशन फिर से देता है, यानी कि फिर से यहाँ पे CIP कंफर्म करके प्राइस ऊपर निकलती है विद वॉल्यूम, तो शायद हो सकता है कि कोई अच्छी एंट्री पॉइंट शायद ही क्रिएट कर पाए। ठीक है, बट फिलहाल देखा जाए तो कैंडल्स 1,660 रुपए के लेवल पे, एक मतलब 1,650 रुपए के लेवल पे कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बनाते हुए चल रही है। तो माइट भी पॉसिबल है कि शायद कैंडल्स यहाँ से फिर से ऊपर निकलने के लिए ट्राई करें, बट फिलहाल अभी तक किसी भी कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया है कि हाँ प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा। सो वही हम वेट करेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए जो कंफर्मेशन देगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग बनता है, मींस यहाँ पे जो प्राइस ऊपर निकल रहा था, तो जब भी कैंडल्स ने ब्रेकआउट दिया था, ऊपर जाने का कंफर्मेशन दिया था, तो कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी विद वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर ऐसा ही यहाँ मिल जाता है तो शायद पॉसिबल है कि कैंडल्स यहाँ से अच्छे से निकलने का ट्राई करे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा कुछ इस लेवल से, तो ये कुछ ऐसी ही है। ठीक है, तो या तो इसका ब्रेकआउट अपने को मिल जाए। ओवरऑल बात यही है कि एक बार अच्छी बुलिश कैंडल मिले अपने को अपने इसी लेवल पे, यहाँ पे प्राइस अभी मूव कर रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो शायद ये ऊपर निकलने के लिए ट्राई कर सकता है। सो हम वेट करेंगे एंड देखेंगे कैंडल्स अपने आने वाले दिनों में यहाँ पे कैसी मूवमेंट देने वाली है, क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं। सो दिस फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।